आ रहा था वो आप जानते हैं मोबाइल पे स्लाइड के ऊपर चलते थे, और अब मैं आपके लिए आज से मैथ लेके आया हूँ। तो मैथ में मुझे ये पूरा सेटअप अरेंज करना पड़ा, तो आज से आपका मैथ के वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ में आप जानते हैं कि मैथ में आप जानते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में काफी तरह के मैथ पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं आपको ओवरऑल इन ब्रीफ बताना चाहूंगा कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या अन्य किसी भी एग्जाम्स में जो मैथ पूछा जाता है वो इन टॉपिक पे बेस्ड होता है। पहला जो मैथ में टॉपिक है जो जनरली ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है और अधिकतर एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं, वो है अर्थमेटिक। हिंदी में फ्रेंड्स इसे अंकगणित कहते हैं, आप जानते होंगे। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए आप अंत तक, जिससे आपको मैथ्स में जो ट्रिक्स रहती हैं, स्पीडी क्वेश्चन करने के लिए जो ट्रिक्स रहती हैं, सभी ट्रिक्स वगैरह आपको मिलेंगी यहाँ पे। आज तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट आप मैथ करते रहेंगे, रोज मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कर तो कोई भी सकता है, बट उन्हें विद इन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड करने की मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। मेरी गारंटी, अगर आप पूरा वीडियो मेरे साथ देखेंगे और पूरे वीडियो मेरे साथ रहेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और मैथ्स के क्वेश्चन, जैसे किसी एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन आते हैं आपको 35 मिनट में करना है, तो मेरी गारंटी आप 30 मिनट में ही उनको कर देंगे, ठीक है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहें। देखिए फर्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक, दूसरा जो होता है वो है एलजेब्रा यानी बीजगणित। ये एसएससी बेस्ड एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स। तीसरा जो टॉपिक होता है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। चौथा टॉपिक जो होता है वो है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, ज्यामिति भुजा और कोण पर आधारित प्रश्न इसमें पाए जाते हैं। और हम इसमें मोटा मोटा मेंसुरेशन और डाल सकते हैं, मेंसुरेशन पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में जो आपका ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है और रेक्टेंगल है, इस टाइप की चीजें आती हैं। पार्ट टू में सॉलिड चीजें, आपका गोला है, शंकु है जो कोण बोलते हैं उसे, और क्यूब, क्यूबाइड, ये सभी मेंसुरेशन पार्ट टू में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा, इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहां तक अगर हम बात करें, खासतौर से बैंक की, कैट की बात करें हम, और जो हाई लेवल की एग्जाम्स होती है उसमें एक और चीज पूछी जाती है, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। ये आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, डाटा पे आधारित क्वेश्चन रहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। और इसी में इसके दो तीन भाग रहते हैं, दूसरा रहता है डाटा, एक डाटा सफिशियंसी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशियंसी, और एक डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। तो डाटा एनालिसिस कुछ अलग से नहीं, इन्हीं को मिला जुला हम कह सकते हैं डाटा, बट दो भागों में इसको बांट सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशियंसी। तो फ्रेंड्स ये जो बात कर रहे हैं हम मैथ की, अब बात आती है ये सब हमको करना है बट स्टार्ट कहां से करना है। तो फ्रेंड्स मैथ्स का बेस है, और स्पेशली अंकगणित का कह सकते हैं, वैसे तो सभी में काम आएगा, वो होता है प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना, इनटू करना, और प्लस माइनस डिवाइड और इनटू पे आधारित क्वेश्चन करना। और यहाँ पर एक बोर्ड मास का रूल होता है, बोर्ड मास के रूल को समझना, तो ये सभी पूरा बेस कहलाता है मैथ का। इसके अलावा जो स्क्वायर्स करना, नंबर्स के
स्क्वायर्स, क्यूब्स एज वेल एज स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये जो पूरा है फ्रेंड्स, ये है मैथ्स का बेस। ये अगर हमारा जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा ये हमारा, उतना ही जो है हम इम्प्रूव कर पाएंगे, उतना ही स्पीडली हम क्वेश्चन सो कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज हम इसमें से प्लस को देखेंगे, थोड़ा सा हम प्लस को देखेंगे और फिर हम कल जो वीडियो बनाएंगे आज के वीडियो में ये देखेंगे। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें प्लस का जो बच जाएगा, मतलब प्लस उसमें कंप्लीट हमारा एडिशन हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं प्लस। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि हम एडिशन, पहला हमने लिया है, आपको बताया था मैंने कि पहला एडिशन अर्थात जोड़। तो फ्रेंड्स जोड़ या एडिशन बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, मीन्स मैथ की पहली पाठशाला है प्लस या जोड़ या एडिशन, तो लोगों को काफी सरल लगता है और कठिन है भी नहीं। पर जो बेस की चीज रहती है, जो नींव की चीज रहती है, उसको मजबूत करके चले तो आगे बिल्डिंग जो बनती है वो मजबूत बनती है। तो इसीलिए हमको यहीं से स्टार्ट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एडिशन है तो सरल, बट हमको करना कैसे है और कंपटीशन एग्जाम में हमको क्या प्रॉब्लम आती है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए मैं आपको एडिशन करने के लिए देता हूँ, जैसे 437 और प्लस 234, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके अकॉर्डिंग इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 7 और 4 11 हासिल किए यानी 1, और 3 और 3 6 और हासिल किए 7 और 4 और 2 6, इसका आंसर आ गया 671। आप इजीली कर लेंगे इसको। बट फ्रेंड्स हमको अब हमको समझना ये है, कंपटीशन एग्जाम में अगर कोई ऐसा सवाल आएगा तो वो किस टाइप से आएगा। तो वो फ्रेंड्स किस रूप में आता है, 437 प्लस 234। आप समझना मेरी बात को, ऐसा भी आएगा, इसमें आगे प्लस करके भी एक नंबर आ सकता है और भी बड़ा नंबर भी आ सकता है। बट मैं जो चीज आपको बताने वाला हूँ वो ये क्या है कि इस रूप में आपको क्वेश्चन आएगा। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको इस रूप में सॉल्व करते हैं, इसको फिर से वो ऐसे लिखते हैं 437 प्लस 234 अपॉन प्लस करेंगे तो 671। बट फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, इस पूरी संख्या को हमने फिर से लिखा, इस पूरी संख्या को फिर से लिखा हमने, तो पूरी संख्या को लिखने में जो टाइम लगा, यहाँ पे जो टाइम लगा और इसको सॉल्व करने के बाद जो आया, तो हमारा टाइम ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली हमको इस क्वेश्चन को 2-3-5 सेकंड में कर देना चाहिए, 2-3-5-7 सेकंड में, पर लग जाता है टाइम 20 सेकंड का। तो इसके लिए देखिए क्या है, आप इसको किस रूप में कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही कीजिए, आप इसको इस प्रकार से ना लिखिए, है ना। कई तरीके हैं, उसमें से पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए 4 और 7 11 हासिल किया है 1, तो हासिल किए आप यहां लिख दें, इस पे लगा दें या इस पे लगा दें, 3 और 3 6 और 1 7 और 4 और 2 6, एक ही तरीका है। इसमें क्या हमारा उतना टाइम बचा कि हमने नंबर्स को दोबारा से नहीं लिखा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अलावा एक और मेथड देखिए मैं आपको बताऊं, 437 प्लस 234, इसके हिसाब से हम अगर सॉल्व करना चाहें तो ये मेथड अगर हम अपनाते हैं तो इस मेथड से अगर कोई बड़ा भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें गलती होने की संभावना कम रहेगी। देखिए 1 2 3 संख्याएं 1 2 3, तो आप यहाँ एक ब्लॉक बना लें, ये दूसरा ब्लॉक दूसरी संख्या था, ये तीसरा ब्लॉक, क्या करेंगे देखिए 4 और 7 11 इसको यहाँ लिख लीजिए, 3 और 3 6 सेकंड ब्लॉक में लिख लीजिए, 4 और 2 6 इसको थर्ड ब्लॉक में लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, हर ब्लॉक में एक ही संख्या हो सकती है, यूनिट प्लेस पे इकाई स्थान पर एक संख्या, दहाई स्थान पर एक संख्या, और यहाँ पर एक से ज्यादा संख्या आ सकती है। तो देखिए 1 का 1 और ये 1 कैरी में चला गया, यहाँ 1 प्लस 6 7 और 6 का 6 नंबर सेम आया 671। तो ये दोनों मेथड जो है वो बेटर है इसके मुकाबले। तो हम नंबर्स को जो दिया गया है एग्जाम में जो आया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम दोबारा ना लिखें, है ना। आप एक बात समझ रहे होंगे, जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, 395 प्लस 436, इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 5 और 6 11 हासिल किया 1, तो हासिल की 1 यहाँ पे, 3 और 9
12 सॉरी 3 और 9 12 और हासिल किए 13, हासिल किया 1 3 और 1 4 और 4 8। इस नंबर को हम रिपीट करके यहाँ पे ना लिखें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, मैंने समझाया उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट में पूछिए मुझे, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, प्लस या एडिशन का जो शेष भाग है उसको मैं दूसरे वाले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा। ये दो मेथड आप जब तक इसको देख लीजिए, मैं इस पे भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, और जो तीसरी मेथड है जो कि मोस्ट एडवांस मेथड है उसको मैं अगले वीडियो में लूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो हमारा, तो प्लीज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।